हे जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ कैसी, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। समाचार कहे जनक सुनाए जे कारण मही पसब आए। हे मुनिवर, एक दिवस सीता जी ने धनुष को खेल ही खेल में अपने हाथों में उठा लिया था। उस दिन मैंने यह प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष का खंडन करेगा सीता का उससे ही नाता होगा। हे मुनिवर, आज भाई शुभ अवसर है। अतिरिस बोले बचन कठोरा कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। ओ मिथिला पुतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला मिथिला, वरना चौपट कर डालूंगा जा तक पी अत्या ये राजपाट सब उलट पाट डालूंगा। नाथ संबोधन भंजे निहार हो एक एक तासे तुम्हारा हो एक तासे तुम्हारा। मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी शिव का कोई प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किस से लड़ सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की है काम वही कर सकता है। मुन्नाथ, धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई प्रिय होगा। सेवक सो जो करे शिव काई अर करनी कर करी लराई। सेवक वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे भय इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है तू अगुआ इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल भय याद आई तिनका है चोर की डाड़ी में। सोन मुन बचन लखन मुस्काने बोले परसो धरे अपमान। हे महाराज, अरे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू पेरा जाता है। अरे भाई ने मीठे बचन कहे तो क्रोध और बढ़ाना है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो सो करें आप शिव धनुष हमें तोड़ा है। मुनिवर, अरे बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी ना रसायत में, अरे इस धनवा में क्या लाल लगे हैं जो स्वामी गरमाए इतने। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे, क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री देव का श्री महाधनुष जो अत्यंत विद्युत अनुपम है,
ऐसा प्रचंड पोटेंट को भला छोटी छोटी ध्वनि समय। श्रीमान श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है हरण में अपराध क्षमा हो महामुनि चाहे ये शांति ब्राह्मण में। है बाला क्या हुआ तुझे जो मेरी बात काटे जाता है, मुझको क्या नौतारी बामन समझा है जो डांटे जाता है। है मुझको सीधा साधा ब्राह्मण अर्जुन, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, ब्रज वंश बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूं। अरे मेरे इस लोहे के फरसे ने नाहू की नदियां बहा दी है, इस यार भूमि में कई बार छत्राणी राण बना दिए है। अबे क्या दशरथ बाबू तक के यह भुजान के काटने वाला है, तू भी इस फरसे को पलखू। हेलो, ये 200 के नोट से 100 रुपए, 100 रुपए छोटा सा बच्चा कुमार यांश यादव, सुपुत्र सजादे श्री अजय कुमार यादव, जो कि हमारे आदरणीय झम्मन सिंह फौजी होते हैं, उनके नाती होते हैं यांश यादव, 100 रुपए का दान क्लब के लिए देते हैं, धन्यवाद। और 50 रुपए का पुरस्कार श्री किशोर यादव, सुपुत्र सजादे श्री अनेकपाल सिंह यादव निवासी नंगलाज मेरी, ये परशुराम एवं लक्ष्मण के सीन से प्रभावित होगा कमेटी के लिए दान देते हैं, कमेटी इनका हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद। हे मुनवर, बस इसी परसे से सुरंगे स्वर्ग द्वार खुले, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अरे अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका कुत्तल है, परसे में नहीं प्रबलता वह है जो बूढ़ी बाड़ी में बल है, क्यों बूढ़ा फरसे दिखलाकर अरे छत्री कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो भूखों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हे मनुहर, अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हुआ से डर जाए। हे मुनवर, बह छुई हुई के पे नहीं जो उंगली के छूने से मर जाता। अरे दुध मुंह बड़ा की हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा दांत खट्टे अभी स्वाद चखाएगा फरसा। अरे तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बतबना करता है। श्री महाराज, श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। हे महाराज, मेरे मुंह में बैदूत नहीं जो तुलसी से तो सा जाए। हे भगवान, डरो परसे की लपटों से कि यहां तदी को बाल ना जाए। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। भगवान, बच्चों की बोली में उचित न अनुचित रहता है, यह तो गंगा का बहाव है जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांत आप आते तो यह सहलेता लाते भी, बीरो जैसा बेस देखकर बस इसने कर दी इतनी बातें। गुदे, अच्छा जो दंड आप देना चाहें इसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे भ्राता श्री, अरे अपराधी तो यह है, उत्साह बिगाड़ने आए हैं, भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। हे मुनिवर, यह धनुष अनगिनती परसों से
मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनके ही संपदा हुआ। हे महाराज, अरे जो मालिक था इसका उसने अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्वापे में ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं शिर होने आए हो। अरे जो पित के रंग से उर्रण हुआ, भय माता का बलिदाता है, भुगतान करूंगा मैं इस खूनी परसे से मैं तेरा बलिदान। परशुराम तब राम प्रति बोले उत अर क्रोध, शंभु सरासन तोर सट कर से हमार प्रबोध। प्रसाद दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। हे मुनवर, काल आपका बहन है जो उसे साथ में लाए हो। अरे भय सूर्य नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करे। हे मुनवर, भय कार्य नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। अरे या लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहार में उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का रण तो मैं इसको निपटा दूंगा, आप ले आए महाराज को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है मगर खोटा है, सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर घोटा है। है शंकर का कर कोदंड खंड, करता घमंड अपने बल का, रण में खेला है मुंह देखा नहीं रण स्थल का। हे मुनवर, जो बना इमारत परसों में तामे गिर पड़ती है। अरे मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर ना लगती है। अरे इसलिए करपे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम, खंडन करने वाले हैं। मनवर, अरे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे एक चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। अरे रणवंशों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। है धिक्कार बजाओ पर मेरी, जिस पर नहीं प्रहार किया या बता कुड़ा मेरा, जिसका नहीं संहार किया है नहीं सवाल बाल बद का, जब ये खुद मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे फंसा। राम कहे उरिस तजी मुनीसा, कहे कोठार आगे यह सीसा। है मुनवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ, अब तक तो जो क्रोध किया मैंने उसको वापस लेता हूँ। राम कहे उरस तजे मुनीसा, कर कोठार आगे यह सीसा। मुनिनाथ, अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला का परसेगी। भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो अब छाया में है इस परसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में यह शरीर बड़ भागी है। मुनराज, हमें करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है। मुनराज, अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सर ताज हमारे होते हैं। मुनराज, ब्राह्मणों द्वारा सब काज हमारे होते हैं। मुनराज, यह कृपा ब्राह्मणों की है, जो सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे इस भाई को फिर गरमाई मुझ में आती है। वह देखो तन उस ओर देखो,
वह अभी तो मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट मैं हूँ, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही अब सोचा है, ये क्या है, क्या हुआ मुझे, फरसा हो गया पार जैसा, जो उठाए नहीं उठता है। हे मुनिवर, अरे देखना शमलना, इसी जगह मूरत होकर मत रह जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमको आपका मंदिर यहाँ बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। है छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गरम, पर ये नरम क्यों है, क्यों विश्वामित्र देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। परशुराम कहता हूँ तो तू भी राम कहता है, हे राम नहीं रहेंगे दो राम, अन्यथा जगत को मत बहका, त्याग राम का नाम अभी। रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर है परशुराम श्री राम नाम, चरणों पर है। आप परशुराम, मैं राम, कहिए कौन बड़ा, वही तो बड़ा कहता है जिसका होता है नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नवते जाते हैं प्रभु उतने ही चढ़ते जाते हैं, इतनी हट इतनी जुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु, बैर विरोध नहीं ऐसा। दो मिनट। राम रमापत कर धन ले हो और खेचो चाप मोड़ संदेह मटे संदेह। हे राम, तुम सचमुच में ही विष्णु अवतार हो तो ये लो मेरी जिंदा। तेत चाप आप है चल गये, परशुराम मन विस्मय भयो, बोले श्यामराम चंद्र की जय।